हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 4 प्राणी जगत पूरा कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर चलेगा 5 पुष्पी पादपों की आकार की। तो पुष्पी पादपों की आकार की पढ़ने से पहले हम जान लें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मूल, मूल के बारे में, मूल यानी कि जड़, तना के बारे में यानी कि स्तंभ, पत्ती के बारे में, पुष्पक्रम के बारे में, पुष्प के बारे में, फल के बारे में, बीज के बारे में, ठीक, और कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों का अर्थ और उनके तकनीकी विवरण, यानी कि जो कुछ पुष्पी पौधे जो पादप होते हैं उनका अर्थ क्या होता है और वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन जो आपको नहीं पता, जिनके बारे में आप पहचान नहीं कर सकते, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो पुष्पी पादपों की आकार की पढ़ने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि परिचय क्या होता है हमारा। ठीक, तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादपों में 80% पादप पुष्पी पादप होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे जब मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, जब पौधों को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया था, आपका जो वर्ग प्लांटी था उसमें क्या देखा था हमने कि अलग अलग तरह के वर्ग थे पौधों में। ठीक, तो उसी हिसाब से जो ये पुष्पी पादप है, इस तरीके से उसी बेस पे जो पुष्पी पादप है 80% उनमें हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले 80% पुष्पी पादप होते हैं। और क्या होते हैं ये, आकार रूप एवं स्थान के आधार पर अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से प्राप्त करते हैं, जो कि मैं आपको चैप्टर 3 में बता चुकी हूँ पहले ही, जितना भी मैंने आपको लक्षण बताए थे सबके बारे में। तो अब जानते हैं आकार की क्या होती है। मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जंतु या पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे आकार की कहते हैं। यानी कि साइंस की वह स्ट्रीम, जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं होती उसी तरीके से साइंस की वह स्ट्रीम जिसके अंतर्गत किसी जंतु या पादप की जो आउटर संरचना होती है, उसकी जो बाहरी संरचना होती है उसका अध्ययन करना ही आकार की कहलाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी। अब जो आकार की होती है उसका प्रयोग हम अन्य क्षेत्र जैसे पादप संकरण, कृषि विज्ञान एवं कृषि उत्पादन इत्यादि में करते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजी का प्रयोग जो हम करते हैं, पादप संकरण यानी कि जब किसी पादप का आपस में संकरण कराना हो, कोई नई ब्रीड या फिर कोई नई स्पीसीज हमें निकालनी हो, ठीक, या फिर कोई नई जनरेशन हमें देखनी हो प्लांट्स की, कृषि विज्ञान में और कृषि उत्पादन में करते हैं। तो ये होगी आपकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको जानने की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। उसके बाद आता है पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग। ठीक, तो पुष्प को पता ही है आपको, पुष्प जो होता है वो पादप जो होता है पुष्पी पादप, वो जड़, तना, पत्ती, पुष्प एवं फल आदि संरचनाओं में विभेदित होते हैं। यानी कि जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, पुष्प होता है, फल होते हैं, आदि संरचनाओं में विभेदित होता है। और जो पुष्प होता है उसके भी अपने डिफरेंट पार्ट होते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट पार्ट क्या होंगे, उसके अंदर पुंकेसर पाया जाएगा, उसके अंदर जायांग पाए जाएंगे, उसके अंदर बाह्यदल पाए जाएंगे। ठीक, तो उसके भी अपने अलग अलग पार्ट होते हैं जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्प होता है। तो इसके मुख्य अंग के रूप में पुष्पीय पादपों में एक लंबा बेलनाकार अक्ष पाया जाता है, यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें एक लंबा बेलनाकार अक्ष पाया जाता है जो सामान्यतः 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट आपका प्ररोह तंत्र होता है, यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। दूसरा होता है आपका जड़ तंत्र, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब आपका प्ररोह तंत्र क्या होता है, तो जो पुष्पी पादप होते हैं उसका जो पुष्पी पादप हैं आपके, उसका वह भाग, किसी भी प्लांट का वह भाग कि जो भूमि के ऊपर उपस्थित हो, भूमि के ऊपर उपस्थित क्या होगा, तना होंगी, शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी, फूल होंगे, ये सब होंगे, फल होगा। तो ये होते हैं प्ररोह तंत्र किसी भी पुष्पी पादप के। और मूल तंत्र क्या होते हैं, मूल तंत्र होते हैं किसी भी पुष्पी पादप का वह भाग जो भूमि के नीचे उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं मूल तंत्र या फिर जड़ तंत्र कहते हैं इसको। ठीक, तो जैसे कि जड़, पार्श्वीय शाखाएं। ये जो पुष्पी पादप होते हैं ये परिपक्व अवस्था पर पुष्प, फल तथा बीज का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसे ही पुष्प पूरा डेवलप हो जाएगा वैसे ही उसमें पुष्प भी आने शुरू हो जाएंगे, फल आने शुरू हो जाएंगे और बीज का निर्माण हो जाएगा, और उसी तरीके से फिर नए 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 प्लांट्स बनते आपके रहेंगे। ठीक, तो ये था आपका
चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, कि किसी भी जो अगर आप पुष्प के बारे में, पुष्पीय पादपों के बारे में पढ़ें, तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो परिचय उनका, इंट्रोडक्शन, दूसरी उनकी मॉर्फोलॉजी, तीसरी पुष्पीय पादपों के विभिन्न अंग क्या होते हैं, ठीक, और चौथा कि प्ररोह तंत्र, और पांचवा मूल तंत्र क्या होते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपना कि जो पुष्प होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे कि मूल क्या होता है, जड़ क्या होती है, तना क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के कितने पार्ट होते हैं, पुष्प में पुंकेसर क्या होता है, जायांग क्या होता है। आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक साथ आप इतना कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपकी समझ में भी आ जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए।